तस्वीर उन प्रदर्शनकारियों की है जो महंगाई से त्रस्त होकर सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं। आए दिन बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों ने घरों का रसोई बजट हिला कर रख दिया है। बात हरियाणा प्रदेश की करें तो जहां जिले भर में विपक्ष पार्टियों के साथ साथ समाज सेवी संस्थाओं ने बढ़ रही महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, हम आपको प्रदेश के तीन बड़े शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गुरुग्राम से है, जहां कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर जबरदस्त रोष प्रदर्शन किया है। हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर सड़कों पर निकले प्रदर्शनकारियों ने देश और प्रदेश सरकार विरोधी नारे लगाए और महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग की है और पूर्व खेल मंत्री सुखबीर कटारिया ने तंज कसा। वहीं दूसरी तस्वीर गोहाना की है, जहां जन संघर्ष मंच हरियाणा और समता महिला मूलक संगठन ने मिलकर डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। तीसरी तस्वीर सीएम सिटी करनाल की है, जहां लोग बाजार में तो आ रहे हैं पर खरीदारी ज्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों ने बाजार के जरूरी सामान, फल सब्जियों की कीमत पर असर डालना शुरू कर दिया है। लोगों के घरों में रसोई का बजट बिगड़ने लगा है। चलिए सबसे पहले प्रदेश में महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को सुनवाते हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर हाहाकार मच रही है। आज मोदी सरकार ने जिसने कह के आए थे कि हम गरीबों की सरकार है, गरीबों को रोजगार देंगे, उनको अपने महंगाई में उनको वो देंगे, लेकिन आज देखो कितनी महंगाई बढ़ रही है। आज देखो पेट्रोल का रेट बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के रेट बढ़ रहे हैं, आज हाहाकार मच रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस सरकार आदरणीय सोनिया गांधी के निर्देशानुसार आज हम यहाँ प्रदेश स्तर पे आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं वो कुछ ज्यादा नहीं है, इसपे क्या कहना है? देखो अब जब 100 रुपए लीटर जो चीज होगी है, निश्चित रूप जब पेट्रोल और डीजल रेट होते हैं तो निश्चित रूप आप देखना दाल, चीनी और हर चीज से रेट बढ़ेंगे, और जब रेट बढ़ेंगे तो रेट बढ़ते बेरोजगारी आएगी। आज अपने गुड़गांव के अंदर देख लो कितनी एमएनसी वो होगी, कितनी एमएनसी बंद होगी, कितने बेरोजगार हो गए, इस रूप से आप देखो हाहाकार मच रही है। हम अपने राजीव चौक तक जाएंगे और वहाँ जाके लोग कम से कम प्रजातंत्र के अंदर जो रोड पे प्रदर्शन करते हैं, निश्चित रूप से एक ये मैसेज आता है कि लोग बाग देखें और ये सोई सरकार जागे और निश्चित रूप से काले कानून भी वापस लें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बहुत कम होने के बावजूद हमारी सरकारों ने बेतहाशा लूट हमारी गरीब जनता की मचाई हुई है। अमेरिका जैसा धनी देश भी अपने लोगों को पेट्रोल 40 रुपये लीटर दे रहा है, जबकि वहाँ हर आदमी की आय जो है हमारे से 20-30 गुना है। तो ऐसी हालत में केंद्र और राज्य सरकारों की लूट के खिलाफ जन संघर्ष मंच हरियाणा ने गोहाना शहर में प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने के बाद केंद्र सरकार का, राज्य सरकारों का और तेल कंपनियों का, इनके पुतले का दहन किया। जन संघर्ष मंच हरियाणा मांग करता है कि डीजल 25 रुपये, पेट्रोल 30 रुपये मुहैया कराए सरकार और रसोई गैस का सिलेंडर 250 रुपये में दे। 2014 में रसोई गैस का सिलेंडर 400 रुपये था, तब ये बीजेपी सरकारों के जो अब प्रतिनिधि हैं वो कहते हैं कि सिलेंडर 250 का होना चाहिए, और आज रसोई गैस जब इसके अंतर्राष्ट्रीय दाम बहुत कम हैं तो ये सिलेंडर 850 रुपये का मिल रहा है। हमारी मांग है कि रसोई गैस का सिलेंडर 250 रुपये में दिया जाए। सरकार जब ऐसे मौके पर लोगों के पास रोजगार नहीं है, बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ गई है, उद्योग बर्बाद हो गए हैं, छोटे उद्योग संघर्ष के साथ साथ जो है व्यापारी संघर्ष है, बर्बाद है, हर तरह से त्राई त्राई समझ रही है, किसान बॉर्डरों पर पड़े हैं, मजदूर परेशान हैं, मनरेगा मजदूर अपने काम के लिए दर दर भटक रहे हैं, उनको काम नहीं है। ऐसी हालत में सरकार ने पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ाती जा रही है, ये बेतहाशा झूठ सरकार जो मचा रही है, ये सरकार वास्तव में जनता की जन विरोधी और भयंकर लूट मचाने वाली सरकार जो है जनता के बिल्कुल विरोध में है। आज समता महिला संगठन और जनसंघर्ष मंच ने यहाँ गोहाना में प्रदर्शन करते हुए दोनों सरकारों का पुतला दहन किया है, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, और हम मांग करते हैं कि जो पेट्रोल डीजल पर
रात दिन रोज रोज जो है महंगाई बढ़ा टैक्स बढ़ाकर इसको महंगा किया जा रहा है। सरकार उसको तुरंत प्रभाव से वापस ले और रसोई गैस के दाम जो है रोज रोज बढ़ा करके जो आम लोगों की पहुँच से बाहर कर दिया गया सिलेंडर, इसको भी 250 रुपये प्रति सिलेंडर सरकार ले। आज संसार भर में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल डीजल जो है भारत में है, सबसे ज़्यादा टैक्स जो है यहाँ लगाए जा रहे हैं, जबकि यहाँ की जनता बेरोजगारी और कोरोना की मार से जो है ट्राई ट्राई कर रही है। कि कोरोना जैसी भयंकर महामारी की मार ने वैसे ही गरीब आदमी के होश ठिकाने लगा दिए हैं, जहां आज किसान मजदूर बेचारे गरीब आदमी को खाने के लाले पड़े हुए हैं, और वहीं आए दिन मोदी सरकार ने इतनी महंगाई कर दी है कि आम गृहिणी का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आज रसोई के दाम इतने बढ़ गए हैं और आए दिन जो सिलेंडर है वो भी अपनी चरम सीमा पे है, और हर दिन जो महीने के अंदर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उससे हर जन के अंदर निराशा है। क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरा मोदी से निवेदन है कि मोदी जी, ये गरीब लोग हैं, एक तो कोरोना जैसी भयंकर महामारी ने वैसे ही रोजगार छीन लिया है, ऊपर से इतनी आज महंगाई हो गई है कि बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया है। देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी विपक्ष में होते थे तो बड़े बड़े वादे करते थे कि महंगाई कम करेंगे, ये महंगाई डायन हो गई, ये हो गई, लेकिन आज आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, आम आदमी का जीना दुभर हो चुका है। लगातार रसोई के गैसों में भी जो हमारी गृहिणी है बढ़ोतरी हो रही है दामों में, उनको देखते हुए भी आज जो गृहिणी का अपनी रसोई घर को चलाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, और पेट्रोल और डीजल के दाम तो आसमान छू रहे हैं। तो आप आम आदमी का कितना असर पड़ेगा इससे? बहुत असर पड़ रहा है जी आम आदमी का, पेट्रोल और डीजल, और ख़ासकर गृहिणियों का जो रसोई गैस है उनकी आज बेताशा वृद्धि कर दी गई है उनके दामों में, तो बहुत असर पड़ रहा है आम आदमियों के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे? सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, निकम्मी हो चुकी है। ये महंगाई जो पहले डायन कहते थे, आज वही महंगाई इनके मित्र बन चुकी है। सरकार हर तरफ से हर विफल है, विफल साबित हो रही है इन 6 सालों में। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। महंगाई को लेकर कांग्रेस के इस प्रदर्शन का महंगाई पर कितना असर पड़ता है ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल तो महंगाई सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती ही जा रही है और आम आदमी इसमें पिसने को मजबूर है। पंजाब केसरी के लिए गुरुग्राम से मोहित, गुहाना से सुनील और करनाल से केसी आर्य की रिपोर्ट।